केरल के कन्नूर में कल रात बीजेपी सांसद वी मुरलीधरन के घर बम से हमला किया गया और आरएसएस दफ्तर में भी आग लगाई गई। बीजेपी ने इस हमले के लिए केरल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी का केरल सरकार पर बड़ा आरोप, केरल में राज्य सरकार ने ही हिंसा भड़काई। केरल के कन्नूर में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी ने लेफ्ट सरकार पर हमला किया। कन्नूर में शुक्रवार की रात बीजेपी नेता और आरएसएस दफ्तर पर हमला हुआ। बीजेपी का आरोप, केरल सरकार ने सबरीमाला की आड़ में हिंसा भड़काई। सबरीमाला मंदिर को लेकर केरल में विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ। कन्नूर में हिंसा के बाद 33 लोगों को हिरासत में लिया गया। केरल के कन्नूर में हुई हिंसा पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि सबरीमाला की आड़ में लेफ्ट सरकार ने हिंसा भड़काई। पुलिस के मुताबिक हालात बिगड़ने के बाद कन्नूर में 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पथाना मथिटा में हुई हिंसा के मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कुचलने की एक प्रयास फिर एक बार सबरीमाला के आड़ में केरल की सरकार कर रही है। An elected chief minister of Kerala is spreading fake news to defeat Sabarimala in Supreme Court. This is the visual evidence. This is the real photo of this Sri Lankan young woman who came there.